इज काव्य एंड वेलकम बैक टू फेमस डिशेस। आज हम बनाने वाले हैं एक डिफरेंट रेसिपी, एक डिफरेंट ब्रेकफास्ट रेसिपी। हम बना रहे हैं स्टफ्ड इडली ढोकला। तो आइए चेक करते हैं स्पेशल डिश की इंग्रेडिएंट्स, इसके बाद इसकी रेसिपी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिया है डोसा इडली बैटर, जो घर पे ही बनाया हुआ है। इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है और सजेस्टेड टैग्स भी डाल दिए हैं। दो आलू लिए हैं जिसे बॉईल करके मैंने मैश कर दिया है, इस तरह से मैंने जूने आलू लिए हैं। धनिया कटा हुआ लेंगे थोड़ा सा, दो हरी मिर्च कटी हुई, अदरक का एक छोटा टुकड़ा मैंने बारीक काट लिया है, हाफ टी स्पून मैंने लिया है चाट मसाला, हाफ टी स्पून मैंने लिया है धना जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर और एक टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा जीरा लेंगे और फिर लेंगे राई। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। सबसे पहले एक पैन में मैं लूँगी एक चम्मच ऑयल और डालेंगे उसमें जीरा, थोड़ा जीरा भून लेंगे। ऑयल आपके टेस्ट के हिसाब से, आपकी चॉइस के हिसाब से आप डाल सकते हैं। फिर उसमें जाएगा कटा हुआ अदरक और उसे भी थोड़ा कच्चापन जाने तक भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सारे सूखे मसाले और बिल्कुल धीमी आंच में रखते हुए इसे भून लेंगे। बस थोड़े देर भूनेंगे और फिर तुरंत ही हम इसमें डालेंगे मैश पोटैटोज, नहीं तो जो सारे मसाले हैं वो जल जाएंगे। इसके लिए बिल्कुल धीमी आंच में हमें इसे भूनना है और इसमें हम डालेंगे धनिया कटा हुआ थोड़ा सा और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। और नमक भी डालना है आपको इसके साथ, सारा नमक सब डाल के हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। तो सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरह से एक बटर पेपर में मैंने लिया है, आप चाहे तो एक प्लेट में भी इसे ग्रीस करके डाल के इस तरह से पैक करके बिल्कुल फ्लैटन कर सकते हैं इस तरह से। तो जो साइज़ का आप सीमर लेंगे उस साइज़ का आप उसे फ्लैटन कीजिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का ढोकला प्लेट लिया है जो नॉर्मली एक स्टीमर के साथ मिलता है। अगर आपके पास इस तरह का नहीं हो तो आप नॉर्मल प्लेट यूज़ कर सकते। अभी इसे अच्छे से ग्रीस कर दिया है हमने और फिर हम इसमें डालेंगे डोसा आटा या फिर इडली आटा और इसे इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। और उसके ऊपर जाएगा ये हमारा मसाले का जो फिलिंग है, जो हमने तैयार रखा है, वो हम इसे प्लेस कर देंगे। और फिर वापस इसके ऊपर हम डालेंगे इडली आटा और उसे कवर कर लेंगे। तो मैंने लगभग 2 चम्मच नीचे फ्लैटन किया था इडली का आटा और 2 चम्मच उसके ऊपर किया है। और एक स्पून की मदद से आप इस तरह से उसे कवर कर सकते हैं। तो हमने पूरी तरह अच्छे से उसे कवर कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो हमारा ये बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। बस थोड़ा सा मैं टैप कर रही हूँ ताकि जो है कोई स्पेस ना रह जाए, तो सारे स्पेस फिल हो जाए। अब मैंने एक स्टीमर को ऑन कर दिया है, एक इडली बर्तन में थोड़ा पानी लिया है और उसे ऑन कर दिया है, गर्म करने रख दिया है। और उसमें हम प्लेस कर देंगे हमारा ढोकला प्लेट। और बस ऊपर से मैं थोड़ा सा इसमें रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, इसे एक अच्छा लुक भी आएगा और थोड़ा सा स्पाइसीनेस भी आएगा। और फिर हम ढककर इसे मीडियम आंच में 15 मिनट पकाएंगे। 15 से 20 मिनट पक चुका है ये, अभी हम ओपन कर लेते हैं। मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फुलकर तैयार है, बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। लेकिन हम इमीडिएटली नहीं निकालेंगे इसे, हम 10 मिनट इसे इसी तरह रखेंगे और उसके बाद हम इसे निकालेंगे। तो मैंने 10-15 मिनट इसे ठंडा होने रख दिया है। हम साइड से हम इसे रिलीज़ करने के लिए नाइफ से इस तरह से रिलीज़ कर देंगे। हमने ऑलरेडी पैन को ग्रीस किया था, लेकिन हम इस तरह से रिलीज़ करके फिर एक स्पैटुला की मदद से हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। अब हम इसके डिज़ायर्ड शेप्स में काट लेंगे, जैसे हम ढोकला काटते हैं उसी तरह से हम काट लेंगे इसे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे सॉफ्ट और एकदम स्पॉन्जी बने हैं। तो इस तरह के स्क्वायर्स में मैंने काट लिया है, आप देखिए कितना अच्छा सा एक स्टफिंग तैयार है। अंदर से स्टफ्ड भी है और ऊपर से बहुत ही फ्लफी सा इडली तैयार है। अब हम इसे बघारने के लिए मैंने 1 चम्मच ऑयल में डाला है राई। राई के चटकने के बाद हम उसमें डालेंगे हरी मिर्च और बस थोड़ा सा टॉस कर लेंगे, थोड़ा हरी मिर्च फ्राई हो जाए तब तक। और ये जो बघार है हम हमारे जो इडली ढोकला फ्यूजन के ऊपर डाल देंगे इस तरह से। आप अक्सर जब ढोकला बनाते हैं तो इस तरह का जो बघार देते हैं, सेम वे में हमने बघार दिया है और इसे ऊपर से हम डाल देंगे। और फिर डालेंगे कटा हुआ धनिया
और बस हरी चटनी के साथ, तीखी मीठी चटनी के साथ या हरी चटनी के साथ आप इसे सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक नाश्ता है, ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके वैल्यूएबल कमेंट शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।